आज हम तिल्ली के लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है ये एक कटोरी पिसी भुनी हुई और पिसी हुई तिल्ली है, और इसमें डालेंगे ये इतना गुड़ थोड़ा सा, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हमने दो तार की थोड़ी सी चाशनी बना के रखी है, जिससे हमारे लड्डू इजी तरीके से बन सकते हैं। अब हम इससे और इसे दोनों को अब हम मिला एक बड़ी वाली प्लेट में अभी हम मिलाएंगे। ये देखिए हम इसे ऐसे ऐसे स्पून से मिला लेंगे, या तो फिर हम हाथों से भी मिला सकते हैं, ठीक है। हमने इसे मिलाकर ये देखिए ऐसा बन चुका है, इसमें गुड़ मिलाया तो। और अब इसे हमने कटोरी में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम चाशनी को ऐड करेंगे। ये देखिए, और इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसके अच्छे से लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, हम ऐसे इस प्रकार से इन्हें दबाकर, अच्छे से दबाकर ऐसे लड्डू बना लेंगे और इस बाउल में रखेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे लड्डू तैयार हो गए हैं। इसमें हम चाहे तो फल्ली बीजे भी ऐड कर सकते हैं, भूंज कर और पीस कर। ये देखिए, इस तरह से ये ऐसे लड्डू तैयार कर लेंगे। हम और भी लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ पूरे लड्डू तैयार हो गए हैं। और हम चाहे तो इसके ऊपर काजू या बादाम का ऐसा ये भी कर सकते हैं, जिससे और अच्छे लगेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, अब हमारे लड्डू हो गए हैं तैयार। ये देखिए, यह लड्डू मैंने प्रोवांस के लिए बनाए हैं, और आप लोगों ने जो वीडियो शेयर करने के लिए बोला था इसीलिए बनाए हैं। इसलिए हैप्पी मकर संक्रांति, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।